अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। आज की जो वीडियो है जी, उसमें मैं ऐसी 16 मिस्टेक्स हैं जो हम ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न और बिफोर द ब्रीडिंग सीज़न करते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल ब्रीडिंग सीज़न में और आफ्टर ब्रीडिंग सीज़न में उनका बड़ा इम्पैक्ट आता है नेगेटिव। तो मैं ये जो मैंने इनको जो 16 मिस्टेक्स जो मैं आपको बताऊँगा और जो पॉइंट्स हम ये 16 पॉइंट इग्नोर करते हैं, ये उनकी प्रायोरिटी वाइज सेट किए हैं। मतलब मैं 16 से बैकवर्ड्स जाऊंगा, 16, 15, 14 और फिर इसी तरह इनकी इम्पोर्टेंस को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे जो 16th पॉइंट है वो ये है कि हम अपने सारे बर्ड्स जो है ना वो बेच देते हैं जैसी ब्रीड आना शुरू हो जाती है, और जब हमारी अपनी पेयरिंग का टाइम आता है तो हमारे पास बर्ड्स अवेलेबल ही नहीं होते, और वही बर्ड्स फिर हम बाद में जिस रेट पे हमने सेल किए होते हैं उससे कहीं महंगे रेट पे राइट बिफोर द ब्रीडिंग सीजन बाय करते हैं। तो और हमें अपने बर्ड की पेडिग्री का पता होता है, हमें अपनी वर्किंग का पता होता है, लेकिन जस्ट के उसको रश कर देते हैं हम जैसे ही सेलिंग स्टार्ट होती है आफ्टर द ब्रीडिंग, राइट आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन, और हम अपने यूज़फुल बर्ड जो हमारी पेयरिंग में यूज़ होते हैं वो सेल कर देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। फिर 15 पॉइंट पे हम अपने वो बर्ड्स जो कि अभी बिल्कुल हुए हैं सेल्फ और वो भी बने ही नहीं है अभी, स्पेसिफिकली ओपलाइन के अंदर उसकी जब मास्किंग आ रही होती है तो हम उसी टाइम फैसला कर लेते हैं कि बर्ड अच्छा है या बर्ड हल्का है। और ये एक बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, इसमें मैं कंप्लीट ओपलाइंस पे वीडियो अगली मैं बना रहा हूँ, जो मैंने वर्किंग्स पिछले साल ही बताई और अब इस साल वो की और अगले साल की होंगी। तो ओपलाइन म्यूटेशन का जो है ना वो मार्कर है कि उसके फेस पे थोड़ी सी मास्किंग आनी है, और सम अगर पेडिग्री अच्छी है, बर्ड अच्छे हैं और हल्की सी मास्किंग आती है तो राइट आफ्टर मोल्ट वो शो बर्ड्स, सम टाइम वो शो बर्ड्स होते हैं, उनके साइजेस बड़े होते हैं क्योंकि उनकी मेलानिन जो है ना वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, जैसे उन बर्ड्स के मोस्ट ऑफ द टाइम इन माई एक्सपीरियंस उसके साइजेस अच्छे हैं, उसकी मार्किंग्स अच्छी होती हैं। तो मोल्टिंग तक का वेट करें अपने बर्ड की, बर्ड को 4 से 5 महीने के बाद हम सेल करें जब वो अपनी मोल्टिंग क्लियर कर जाए और अपने साइज और अपने स्टांस को बताना शुरू हो जाए। फिर हमारा जो एक और पॉइंट 14 नंबर है वो ये है कि हम लोग क्योंकि मार्केटिंग, बहुत सारे नए लोग जो है इसको बिजनेस वेंचर और ऐसा इंडस्ट्रीज के अंदर कमर्शियल बेनिफिट्स को के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, वो उनके को मार्केटिंग प्लान ही नहीं होता, दे जस्ट बाय बर्ड्स, दे ब्रीड देम एंड बाय द टाइम टाइम कम्स फॉर द सेलिंग दोज बर्ड्स दे डोंट हैव एनी मार्केटिंग प्लान। इवन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इनका फेसबुक पे अकाउंट ही नहीं है। तो अपने मार्केटिंग प्लान, बेसिक मार्केटिंग प्लान तो हर बंदा कर सकता है, हमारे पर्सनल अकाउंट्स भी फेसबुक पे हैं, तो अपनी एवरी का एक अकाउंट या अपने नाम से एक अकाउंट फेसबुक पे बनाएं और उस पर अपने बर्ड्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन कुछ अच्छे बर्ड्स की पिक्चर शेयर करें। फिर अपने आपको लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का मेंबर बनाएं, जो एक नेटवर्क है, जो एक प्लेटफॉर्म है जिधर पाकिस्तान के जो मोस्ट एक्सपीरियंस और टॉप नॉच ब्रीडर्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत सारे नए ब्रीडर्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो आपकी सोशल इंटरेक्शन होती है, आपको पता होता है आपने बर्ड सेल, आपको सेलिंग में भी आसानी रहेगी और बाइंग में भी आसानी रहेगी। अच्छा जी, अगला पॉइंट जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हर साल ये काम करता था, पिछले साल मैंने डेलिब्रेटली डिवॉर्मिंग नहीं की, तो डिवॉर्मिंग पे भी बड़ी बात भी हुई थी, हमारे बहुत सारे सीनियर ब्रीडर्स ने इस पर बात की। डिवॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक, हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि डिवॉर्मिंग की क्या ज़रूरत है, हमारी एवरी, हमारा सीड बड़ा सैनिटाइज्ड और बड़ा क्लीन है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके बर्ड का सम हो इंटरेक्शन होता है और आपके हमारा क्योंकि एनवायरनमेंट है जिसके अंदर बहुत डस्ट है, तो देर आर चांसेस कि आपके बर्ड्स के गट के अंदर वर्म्स हैं और आपको डिवॉर्म करना चाहिए। अच्छा, मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी रेड माइट्स की, उसमें एक्सटर्नल वर्म्स भी हैं और इंटरनल वर्म्स भी हैं, तो आई डू सजेस्ट के डीवर्मिंग ज़रूर करें, किसी भी मेडिसिन से करें, आइवरमेक्टिन से करें, वार्म अप जेल से करें, वॉट एवर मेडिसिन, बट डू डीवर्म योर बर्ड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और पॉइंट जो कि हम अपने जो ब्रीडिंग केजेस जो पिछले साल के चल रहे होते हैं, ब्रीडिंग बॉक्सेस, हमारी एवरी, हम उसको सैनिटाइज नहीं करते, ना तो हम सैनिटाइज करते हैं राइट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ब्रीडिंग सीजन, ना ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। अब जिस तरह आप नोट करेंगे कि आपके जो ब्रीडिंग केजेस हैं उसके अंदर स्टिक्स लगी होती हैं, हम पूरे 6 महीने जो ब्रीडिंग करवा रहे हैं बर्ड्स के, हम स्टिक को कभी उतार के हमने वॉश किया, आई डोंट थिंक सो, शायद बहुत कम लोग करते हो। क्या ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन हम अपने एवरी को पूरा वॉश किया, उसकी वॉल्स को, उसके फ्लोर को, मे बी कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं हर हफ्ते सैनिटाइज करवाता हूँ अपनी एवरी का फ्लोर, और मिड सीज़न में, बल्कि ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन 2 times में पूरी वॉल्स को वॉश करवाता हूँ और उसके वो स्टिक्स निकलवा के वॉश कराता हूँ। हर हफ्ते
वेरकोनासिया ब्रूमोसेप्स है, उसके जो पॉट्स हैं सीड पॉट्स और वाटर पॉट्स वो सैनिटाइज कराता हूँ। इसी तरह ब्रीडिंग बॉक्सेस की सैनिटाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीडिंग बॉक्स में बर्ड ने एग ले करने, अगर उसके अंदर किसी किस्म का बैक्टीरियल या वायरल या कोई भी इन्फेक्शन है या माइट्स हैं तो आपके डेड इन शेल होंगे एग्ज़, और आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इसका बहुत ख्याल रखें। दूसरा ये कि हम इसमें मैं भी शामिल हूँ, और ये बहुत सारी गलतियाँ मैं जो मैं करता आया हूँ और अब नहीं करता, ये इस साल फिर की हैं, तो वो ये थी कि मैंने अपने केजेस को लेट ऑर्डर किया, जो मैंने नए केजेस बनवाने थे, तो मुझे नहीं आइडिया था, क्योंकि माशाल्लाह लवबर्ड की इंडस्ट्री और कॉटेज, इट्स टर्निंग आउट अ कॉटेज इंडस्ट्री, इनफैक्ट इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री नाउ, एग्रीकल्चर जो है, तो इतना बंदा है, मैं बॉक्सेस वाले को ऑर्डर किया, मुझे बॉक्सेस चाहिए, तो मुझे एक बंदे ने कहा मेरे पास 10,000 बॉक्सेस का ऑर्डर है, तो मैंने उसे क्यूरोसिटी में ही पूछा कि कौन से बॉक्सेस किस बर्ड के, उसने कहा सर लव बर्ड। इसी तरह 3 डिफरेंट बंदों को मैंने ऑर्डर के लिए कहा, किसी ने 4,000, किसी ने 6,000, किसी ने 10,000, तो हाई वॉल्यूम पे काम हो रहा है। तो एक और पॉइंट जो है वो ये कि हम अपने बर्ड्स के जो पिछले साल में हमने जो बर्ड्स फ्लाइट में छोड़े आफ्टर द ब्रीडिंग सीज़न, और ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न जो हमने बाइंग की अगले साल की वर्किंग के लिए, और जो पेयर ब्रीड करते आ रहे थे और जो हमारे पास ब्रीड आई, हमने उसकी रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी नहीं की। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड के बगैर आपका बर्ड इज़ नथिंग, इट हैज़ नो वैल्यू। आई मीन इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे रहा हूँ कि एक नॉर्मल एवरेज फिशरी है जो 15-20 हज़ार रुपये की अच्छी फिशरी है, और अगर वही फिशरी स्प्लिट पेल फेलो है और या स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ओपलाइन है, तो वो कई मतलब लाख से ऊपर उसकी वैल्यू है। तो द रिंग दैट यू पुट ऑन द लेग ऑफ योर बर्ड, उसके ऊपर जो पेडिग्री है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने रिंग भी डाल दिया, उसको नोट ही कहीं नहीं किया, तो अपना रैकेट सिस्टम बनाया, मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स जिसमें उन मेथड्स को यूटिलाइज करते हुए आप अपने बर्ड्स की रैकेट कीपिंग अच्छी कर सकते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल पॉइंट इन लव बर्ड ब्रीडिंग। फिर जो हमारे ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन जब हमारे बॉक्स लग गए हैं और हमारी ब्रीड आना शुरू हो गई है, तो हमें से बहुत सारे लोग ठीक है बिजी होते हैं बिजनेस में, जॉब्स में, डिफरेंट मसरूफियात हैं, लेकिन हम इतना टाइम तो स्पेयर कर सकते हैं लाइक एन आर और मे बी 30 मिनट्स और वट एवर द नंबर ऑफ पेयर यू हैव इन योर एवरी, कि हम दिन में कम अज़ कम एक दफ़ा उनके सारे बॉक्सेस को एग्जामिन करें प्रॉपरली। उस पर भी मैंने पूरी डिटेल्स वीडियो बनाई हुई, आप जाके देख सकते हैं आपने किस तरह बॉक्स को नॉक करना है, अपने बर्ड को डिस्टर्ब नहीं होने देना, आपने क्या चीज़ें चेक करनी हैं, आपने एग्स चेक कर रहे हैं, जो बाहर आपने वो शीट ज़रूर लगाए अपने बॉक्स के बाद जिसके ऊपर आप सारा उसका डाटा मेनटेन करेंगे, फिर आप एग्स फर्टाइल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बच्चे निकल रहे हैं तो बच्चे अगर निकले हैं तो वो बच्चे जो हैं वो ठीक डेवलप हो रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एक और गलती हम करते हैं और हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि जी ब्रीडिंग सीज़न जो है ना वो बस स्टार्ट होने वाला है, और हम में से बहुत सारे लोग वेदर कंडीशंस को जो है ना वो कंसिडर ही नहीं करते, और हम बॉक्सेस हैंग कर देते हैं इन अगस्त और उन वेदर्स में जो बहुत ह्यूमिड है या बहुत जिनके अंदर टेम्परेचर हाई है, जैसे आजकल का मौसम है, या अगस्त में या सितंबर में भी मौसम को नहीं देखेंगे, देखेंगे 1 सितंबर हो गई है तो बस बॉक्सेस लगा दो। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अपने अपनी वेदर कंडीशंस को देखें, अगर आपका वेदर सूटेबल है उसके अकॉर्डिंगली चलें। फिर बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट के हम देखते हैं, हमें से हर बंदा आप जो वर्किंग कर रहा है ना वो बर्ड्स के साइजेस को इन्हेंस करना चाहता है, बड़े साइज बर्ड्स एग्जीबिशन बजरी घर जैसे होता था और वो खूबसूरत भी लगते हैं, नो डाउट हम सब उसी की वर्किंग कर रहे हैं। अब उसके अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बर्ड के साइज़ को इन्हेंस करता है वो है फ्लाइट एक्सरसाइज। बाकी फैक्टर्स मैं कभी इस पर वीडियो बनाऊँगा डिटेल में, 2-3 फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज़ द फ्लाइट केज, द एक्सरसाइज दैट यू अलाउ योर बर्ड्स टू डू इन द ऑफ ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, अपने बर्ड्स को फ्लाइट ज़रूर दें। फ्लाइट मैनेजमेंट पे डिटेल वीडियो मौजूद है, वो आप देखें कि मैंने कैसे उसमें डिटेल में बताया कि एक केज के अंदर आप कितने बर्ड्स आइडियली छोड़ सकते हैं। तो अपने बर्ड्स को फ्लाइट ज़रूर दें ताकि उनकी एक्सरसाइज हो और वो बर्ड्स डेवलप हों। अपने सारे बर्ड्स का DNA कराएं, वो 600-700-800 रुपया, इट डजंट मैटर, इतने इतने एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइम। तो जब टाइम वेस्ट करते हैं और बाद में पता चलता है दोनों मेल्स थे, या अक्सर फ़ोन आता है कि जी हमारी बहुत अच्छी जो है ना लाइन की फ़ीमेल है जी, 12 अंडे दी हैं उसने, तो एक्चुअली वो एक फ़ीमेल नहीं, वो दोनों ही फीमेल्स होती हैं, तो वो भी आपका 1-1.5 महीना ज़ाया। तो अपने सारे बर्ड्स का DNA कराएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपने एक और चीज़ जो मैंने भी ये गलती की हुई और आप अब मैं नहीं करता और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट,
जो प्रिपरेशन ऑफ द ब्रीडिंग सीजन है उसमें आपने अपने बर्ड्स को एक महीने पहले, लेट्स अज्यूम आपने अक्टूबर 1st को बॉक्सेस देने हैं, तो सितंबर 1st को अपने बर्ड्स को मल्टी विटामिंस, कैल्शियम्स और जो भी आपका डाइट रिजीम उस पूरे सीजन में होगा उसको लॉक करें और उसको स्टार्ट करें, उनके कैल्शियम्स लोड करें, उनके मल्टी विटामिंस दें, उनका जो सॉफ्ट फूड उनको आपने प्लान किया वो देना शुरू कर दें एक महीना पहले, ताकि बाय द टाइम व्हेन यू हैंग द बॉक्सेस एंड योर बर्ड्स आर रेडी टू ब्रीड दे आर नॉट जो दे शुडंट बी डेफिशिएंट ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ मल्टी विटामिन और कैल्शियम। तो इस चीज़ का भी जो है ना आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर करवानी है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको फिर हम सारे लोग बड़ी जल्दी करते हैं और हम कहते हैं यार बर्ड बस ब्रीडिंग पे हैं और हमारा बर्ड प्रिपेयर्ड है, और हम इस चीज़ का डाटा ना रखते हैं और ना इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि हमारे बर्ड की एज क्या है। तो अंडर एज बर्ड्स ना लगाएं अगर आप चाहते हैं आपके बर्ड्स की क्वालिटी जो ब्रीडिंग है वो इम्प्रूव हो, अगर उनके साइजेस इम्प्रूव हों और बर्ड्स एग बाउंड ना हो, इनफर्टिलिटी ना हो, तो अंडर एज बर्ड्स ना लगाएं। आइडियली 12 महीने का बर्ड कम अज़ कम हो, कुछ केसेस में 8-10 महीने का बर्ड लगाना पड़ता है लेकिन वो आइडियल नहीं है, मैं आइडियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, कम अज़ कम 12 महीने या इससे ऊपर। तो इस एज के बर्ड अगर आप ब्रीड कराएंगे तो आपके बर्ड्स के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फिर हमने बर्ड लिए एक टाइम पे, आज से 3-2 साल पहले, और वो चलते आ रहे हैं, वो हमारी एवरी के अंदर ब्रीड हो रहे हैं, हमें नहीं पता वो सिबलिंग्स ब्रीड हो रहे हैं, वो इन ब्रीडिंग बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अपने बर्ड को इन ब्रीड ना कराएं। अगर आप फेलोज पे काम कर रहे हैं, रेड आइज बर्ड पे काम कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी हर साल चाहते हैं, तो अपने बर्ड्स को इन ब्रीड नहीं होने देना। अपने हर साल कुछ नए बर्ड्स ऐड करने हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग जो आपका ब्रीडिंग सारा स्टॉक है उसके अंदर वो वाले फीचर्स ऐड करें जो वीकनेसेस आपके बर्ड्स के अंदर ऑलरेडी हैं। तो इन ब्रीडिंग का ख्याल आप लोगों ने ज़रूर रखना कि इन ब्रीडिंग ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपकी एवरी प्रॉपरली डिज़ाइंड हो। जैसे कि मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई और वो वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों ने एडमायर की, और आई बिलीव कि वो बड़ा बेसिक ऐसा इशू था जिस पर मैं चाह रहा था बात करना, कि आपकी पर्पस बिल्ड एवरी हो, आपने वो एवरी को प्रॉपरली डिज़ाइन किया हो अपने बर्ड्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, उसमें विंडोज़ कितनी है, उसके एनवायरनमेंट कैसा है, उसको कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना ओपन कर सकते हैं, वो वेदर की हार्श कंडीशन से आपके बर्ड्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। तो अपनी एवरी को, लाखों के बर्ड्स हम लेते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी एवरी के बारे में हम नहीं सोचते। अभी भी मैं इस साल बहुत सारे लोग आए तो वो अपनी एवरीज का बता रहे थे, और उन्होंने फेलोज और फेलो अपलाइंस और बड़े बड़े महंगे अपलाइंस लिए हैं। तो अपनी एवरी को पर्पस बिल्ड बनाएं पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म अच्छी ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो हाउसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पॉइंट नंबर 1 है, जो सबसे मैं कोशिश करूँगा उस पर ज़्यादा बात करूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट है कि जो भी बर्ड लें वो पेडिग्रीड बर्ड हो। अगेन, व्हाटएवर बर्ड यू बाय, दैट बर्ड शुड बी अ पेडिग्रीड बर्ड। आपको उसकी हिस्ट्री, उसके पेरेंट्स की, उसके ग्रैंड पेरेंट्स की पता, और अच्छे ब्रीडर्स के पास वो हिस्ट्री उनके पास उनके रिकॉर्ड में होती है। ऐसे रैंडम बर्ड जो हम लोग ले लेते हैं, पता नहीं कहाँ से आया, किस तरह से आया, कौन सी डिजीज़ कैरी कर रहा है, कौन सी म्यूटेशंस कैरी कर रहा है, कितनी उसके अंदर अमलगमेशन है डिफरेंट म्यूटेशंस की, जो अनरिक्वायर्ड म्यूटेशंस हैं उस बर्ड के अंदर। तो प्लीज़ पेडिग्रीड बर्ड लें। पाकिस्तान में माशाल्लाह इस टाइम जिस लेवल पे काम हो रहा है, हमारे मोस्टली ब्रीडर्स जो हैं, जो अच्छे ब्रीडर्स जो इसको प्रॉपरली एज अ कैरियर और एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हैं, उनके पास इसके डाटा शीट्स मौजूद हैं। आप यकीन करें कि अगर आप पेडिग्रीड बर्ड नहीं लेंगे, सिर्फ विजुअली बर्ड देखेंगे कि बर्ड बहुत अच्छा है, और आपने विजुअली ले लिया, वो जो आपको रिजल्ट्स उसके बाद देगा, आप कई सालों बाद दोबारा वापस जाएंगे, फिशर लेंगे, उसको प्योर करेंगे, फिर आना शुरू होंगे। आप मे बी टेम्परेरली आपको शायद कुछ बेनिफिट नज़र आए, लेकिन बिलीव यू मी के पहले साल ही नज़र आ जाता है कि इस बर्ड की परफॉर्मेंस क्या है। पेडिग्रीड बर्ड लें जिसकी हिस्ट्री हो, जिस बंदे ने उसकी लाइन पे वर्किंग की हो, जो वो चीज़ दे रहा है उसको पता हो क्या है। दो आई डू बिलीव कि मेरे पास अब तकरीबन माशाल्लाह मोर देन 100 पेयर्स ब्रीड करेंगे, शायद कुछ ऐसे बर्ड्स हों जिनमें कोई ऐसी रिसेसिव जीन चल रही हो कलर से रिलेटेड जो मुझे नहीं पता है। बहुत हम सब लोगों के पास ऐसे बर्ड्स होते हैं जो सरप्राइजेस देते हैं, पूरी दुनिया में सबके पास होते हैं, लेकिन कम अज़ कम वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि हमारा बर्ड, हमें जो पता है वो बर्ड वैसा ही निकले या वो वैसा ही हो। तो प्लीज़ रैंडम जगहों से रैंडम बर्ड आए हुए ना बाय करें।
बाहर से भी अगर इंपोर्ट करते हैं तो वो बर्ड्स लें जो आपको ब्रीडर उधर का जो जिसे आप ले रहे हैं वो उसका इसके डाटा उसकी हिस्ट्री उसके पेरेंट्स दिखाए बताए। इस पर हाउ टू बाय बर्ड्स पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसको आप ज़रूर देखें। और अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्ट यानी कि आपकी जो बेस है ना आपकी सारी एवरी की वो ख़राब हो जाएगी। तो थोड़े पैसों के लिए हम सस्ता बर्ड ना लें, हम ज़्यादा स्पेंड करें लेकिन हम अच्छा बर्ड लें, वो आपको पे ऑफ करेगा। इट इज़ ट्रू, ये मैं आपको विद एक्सपीरियंस कह रहा हूँ अपना और लोगों का, तो इस पॉइंट को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अच्छा लास्ट में ये पॉइंट नंबर वन पे डिग्री वाला तो बोल दिया, एक आपको बोनस पॉइंट दे देते हैं जो मैं इन जो 16 पॉइंट्स मैंने आपको बताया मैं उसमें ऐड नहीं किया। अभी बात करते करते मेरे जहन में आया क्योंकि मैंने भी इस साल ये काम कर दिया, वो था कि मुझे फॉस्टर पेयर्स चाहिए और मेरे फॉस्टर पेयर्स नहीं है, तो अपने फॉस्टर टीम को रेडी रखें। इन एनी केस यू नीड टू हैव सम फॉस्टर पेयर्स, उसकी ज़रूरत होती है इमरजेंसी के अंदर अच्छी ब्रीड की क्वांटिटी लेने के लिए या वट एवर योर पर्पस इज यू हैव टू हैव सम फॉस्टर पेयर्स, तो वो भी आपके पास हों। तो ये सारे पॉइंट्स जो कि 16 से शुरू किए थे एक बोनस पॉइंट 17 पे चले गए, इनको कंसिडरेशन में रखें और इनको बार बार सुने और देखें कि अभी हमने कहा कहीं पे गलती तो नहीं की, ताकि ब्रीडिंग सीज़न आपका जो है ना बहुत अच्छा गुजरे। एंड आई विश ऑल ऑफ़ यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग ब्रीडिंग सीज़न। थैंक यू।